सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चेन मेंटेनेंस रिलेटेड थिंग्स, क्योंकि आजकल नए बाइक्स में सेंटर स्टैंड नहीं है और बाइक चेन मेंटेन करना बहुत हार्ड हो गया है, क्योंकि लॉन्ग राइड में जब जाते हैं तो चेन मेंटेनेंस का ज़रूरत रहता है। लाइक एटलीस्ट चेन लूप करने का रहता है एवरी 500 किलोमीटर्स, बट हम नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है KTM एडवेंचर 390, जिसमें सेंटर स्टैंड नहीं है। सो चेन मेंटेनेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है विदाउट एनी टूल्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वेज से आप चेन मेंटेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग है, अगर कोई आपके बाइक के लिए थर्ड पार्टी सेंटर स्टैंड बना रहा है तो आप ले सकते हैं वो सेंटर स्टैंड और लगवा सकते हैं बाइक पे, और दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन और सबसे ईजीएस्ट वे है सेंटर स्टैंड लगवाने से, कि चेन का मेंटेनेंस बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपके पास सेंटर स्टैंड का ऑप्शन नहीं है और थर्ड पार्टी का ऑप्शन भी नहीं है, देन द सेकेंड वे इज टू बाय अ मोटर जैक। सो ये है वो मोटर जैक, ठीक है। इसमें एक स्टैंड रहता है, एक स्ट्रैप है, दो रबर के पैड्स है, और ये रहा मोटर जैक। सो ये फोर आइटम्स मिलेंगे आपको जब आप ऑर्डर करेंगे। सो आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ कैसे मोटर जैक यूज़ करके आप चेन मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हो। सो मोटर जैक के साथ दो रबर पैडिंग आते हैं। पहला रबर पैडिंग स्टैंड के नीचे रखना चाहिए, और जो वेलक्रो स्ट्रैप है उसको ब्रेक के साथ बांध देना चाहिए, ये टाइट रहना चाहिए, ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। और सेकेंड पैड यहाँ पे रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दी आपका फ्रेम अलाइन होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 3 से 4 इंच दूर रहना चाहिए टायर से, सो दैट आराम से टायर उठे। ये जो रफ पैच दिख रहा है वो नीचे रहना चाहिए इस एंगल में। अब क्या करना है, हो गया अपना मोटर जैक अप्लाई हो गया है। अभी टायर हवाई में है, आप देख सकते हो आराम से घूम रहा है। सो इस तरह आप चेन लूब और क्लीन कर सकते हो मोटर जैक यूज़ करके। मोटर जैक से एक दिक्कत है कि आपको फ्लैट सरफेस चाहिए या फिर हार्ड सरफेस चाहिए, जहाँ पे आप ये रबर पैड्स जो रहते हैं ना वो प्लेस कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस रहना चाहिए तभी ये अच्छा काम करेगा। सो थर्ड वे है जी रोलर, ये है ग्रैंड पिट स्टॉप से। सो ये मैं लिया था जब मेरे पास डोमिनर था, सो उस टाइम मैं यूज़ करता था इसको। सो आप पहले ये वीडियो देखिए कि कैसे ये काम करता है। पहले रियर व्हील के नीचे जी रोलर अलाइन करके रखना चाहिए इस तरह, और उसके बाद फिर इस तरह टायर को जी रोलर के ऊपर चढ़ाना चाहिए। अब देखिए टायर हिलेगा। लेकिन इससे थोड़ा हार्ड हो जाता है करना, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है टायर घुमाने के लिए,
उतना फ्रीली घूम नहीं सकता है। सो आपने देख चुका होगा कि कैसे जी रोलर यूज़ करके आप चेन क्लीन और लूप कर सकते हैं, लेकिन इससे एक दिक्कत है कि अगर आपका टायर प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है और 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा करेक्ट स्लॉट करने के लिए। सो ये है, क्योंकि जब आप टायर इसके ऊपर रोल करोगे तो ये टायर फिसल के नीचे आ सकता है। सो अगला वे है पैडॉक स्टैंड। सो आप पैडॉक स्टैंड यूज़ करके आपके बाइक का टायर को ऊपर उठा सकते हो, लेकिन पैडॉक से एक दिक्कत ये है कि आप कैरी नहीं कर पाओगे आपके साथ। सो अगर आपके घर में ही अगर बाइक रहेगा और सिर्फ एक दिन का राइड हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पैडॉक ले सकते हो, उससे भी थोड़ा आसान हो जाता है बाइक का चेन क्लीन और लूप करने के लिए। लेकिन वही है, पोर्टेबिलिटी इश्यू है, तो आपने कहीं पे भी नहीं ले जा सकते। देन द अदर वे टू क्लीन योर चेन और लूप इस, अगर आपके साथ कोई और आ रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो, तो एक बंदा साइड स्टैंड डाल के गाड़ी को साइड को बेंड कर सकता है और एक बंदा टायर घुमा के चेन को क्लीन और लूप कर सकता है। सो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन अगर आपके पास पहले के कुछ भी नहीं हो तो। लेकिन एक एक बार गाड़ी का वेट संभालने को नहीं होता है, देन अगर आपका गाड़ी का वेट अगर ज़्यादा हो देन वो साइड स्टैंड पे उठाना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। और एक बात, सो अगर आपके बाइक पे ऑलरेडी लगेज माउंट हो गया है देन मोटो जैक और जी रोलर के साथ थोड़ा मुश्किल होगा चेन क्लीनर लूप करना। सो द बेस्ट वे इज़ टू गेट अ सेंटर स्टैंड। सो या इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जी रोलर और मोटो जैक है। एक्चुअली ये मोटो जैक आपको मिल जाएगा 800 या 900 रुपए में अमेज़ॉन में मिल जाएगा। एक्चुअली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो वहाँ से आप खरीद सकते हो। एंड ये है ग्रैंड पिट स्टॉप, इसका भी लिंक डालूँगा मैं। सो या ये है वेस्ट टू क्लीन दी चेन एयर लूप अगर आपके पास सेंटर स्टैंड ना हो। सो या इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।